सजाई मौत दी जाएगी। अच्छा हाँ, अगर महाराज एक हमारी शर्त है आपसे, बोलो। देखो अगर सुपर अगर तुम्हारे जब मैं निकल गया तो महाराज तो फिर क्या होगा? तो चलो देखेंगे चल के। हाँ चलिए। अब हरिचंद ने क्या किया कि अरे फौरन से ना सजवाई, हरिचंद ने सेना तैयार की, सारी फूल बगिया को घिरवा लिया। हरिचंद ने जब फूल बगिया को घिरवाया, लेकिन सूकर हरिचंद के सामने से होकर के गुजर गया। हरिचंद बोले सिपाहियों पकड़ो सूकर को, लेकिन सूकर हरिचंद के सामने से होकर के गुजर गया। और जब गुजर गया है तो सुखदेव मुनि बोले हरिचंद ने पीछा नहीं छोड़ा। हरिचंद सूकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और जब दौड़ने लगे बड़े घने जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने कुछ और देखा। क्या देखा? वहां कोई सूकर सूकर नहीं है। क्या देखा है? एक संत भगवान खड़े हुए हैं। हरिचंद चरणों में लेट गए। विश्वामित्र कहने लगे तुम कौन हो? हरिचंद बोले हम अयोध्या नरेश दानवीर राजा हरिचंद है। हाँ, हरिचंद बोले ये बताओ महाराज जी, आपने इधर से कहीं सूकर को जाते हुए देखा? बोले हाँ। विश्वामित्र बोले ये बताओ तुम सूकर का क्या करोगे? हरिचंद बोले सूकर ने मेरी सारी फुलबगिया को उजाड़ दिया, इसलिए हम सूकर का वध करेंगे। हाँ। विश्वामित्र बोले तुम कैसे दानवीर राजा हरिचंद हो? जिस चीज का अधिकार परमपिता परमेश्वर को नहीं है उसको तुम लोगे? हरिचंद बोले समझे नहीं। विश्वामित्र बोले देखो बात साफ है, हमारे घर में एक लड़की कुंवारी है, ऐसा करो थोड़ा सा धन दौलत दे दो, हम अपनी लड़की के पीले हाथ कर दें। हाँ, लेकिन विश्वामित्र बोले तुम्हें नहीं पता है महंगाई का जमाना हो गया है, इसलिए सुनो कि लड़की
जी को ब्याह बन गई ले। समझाने लगे हरिचंद को विश्वामित्र, जहाँ भी देखने जाते हैं लड़का